दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में अव्वल रहने वाले मेधावियों को स्वर्ण पदक से विभूषित किया गया। वर्ष 2017 के विभिन्न संकायों और विभागों में टॉप करने वाले 47 टॉपर्स को 45 विश्वविद्यालय पदक सहित 112 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह में 123 शोधार्थियों को भी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टॉपर आकांक्षा सिंह ने बताया कि उसने कुल 10 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय उसके माता पिता और गुरु को जाता है। समाधान में प्रवेश करते ही आचार्य विद्या परिषद के सदस्यगण और अपने स्थान पर बैठते हुए स्थान ग्रहण करते हुए विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण मंच पर आसन ग्रहण करेंगे। कार्य परिषद के सदस्यगण, संघाय अध्यक्ष कुलाधिपति माननीय श्री राम नाईक जी, मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति पृथ्वीश नाथ जी, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी, जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, इस शहर के माननीय मेयर सीताराम जायसवाल जी, अतिथिगण, शिक्षक एवं कर्मचारी बंधुओं, समाचार माध्यमों के प्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के सहयोगियों, उपाधि धारक विद्यार्थीगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं गुरु गोरखनाथ की साधना भूमि पर राहित व भक्ति रोहिंग के संगमर पर स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रमुख परिसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह हमारे कुल के लिए अत्यंत सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है कि समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक आदरणीय प्रोफेसर जयंत विश्व नाडेकर जी तथा अध्यक्ष के रूप में कल्पनाशील माननीय कुलाधिपति महोदय दीक्षांत मंच को सुशोभित कर रहे हैं। महोदय, आप दोनों की उपस्थिति से पूरा परिसर आह्लादित है। क्या नाम है? आप बोलिए, क्या नाम है? आकांक्षा सिंह। कितने मेडल आपने? 10 मेडल मिले मुझे। किस किस चीज के लिए मिले हैं? एमएससी में गोल्ड टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर और कई मेमोरियल। किसको श्रेय देती हैं आप? कितना मेहनत की है इसके लिए? उसका सारा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को दूंगी और मेहनत करती हूँ और मतलब हमेशा स्ट्रेटजी बना के पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल पे जाकर पढ़ना चाहिए।